हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले भर में लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं के बाद आमजन में भय का माहौल है। शुक्रवार रात्रि को भी अज्ञात चोरों ने शहर के सबसे व्यस्तम ईला बाजार स्थित एक गोली बिस्किट गुटखा व अगरबत्ती की दुकान के ताले तोड़ दिए। चोरों ने दुकान के ताले व कड़े तोड़कर दुकान में प्रवेश किया व दुकान में से करीब 15 से 20 हजार रुपए के गुटखा सिगरेट व अन्य सामान चुराने के साथ 5 से 10 हजार के बीच नकदी भी ले उड़े। सूचना पर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची व मौका मुआयना कर दुकानदारों से रिपोर्ट ले मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की। दुकान मालिक धर्मेंद्र खत्री ने बताया कि वो रात को 9 बजे दुकान बंद कर अपने घर को गया था और सुबह जब दुकान पहुंचा तो दुकान के ताले टूटे हुए थे और दरवाजा खुला था, जिस पर उन्होंने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। गौरतलब है कि जिले भर में आए दिन चोरियों की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं ईला बाजार में हुई चोरी की घटना में सबसे बड़ी बात यह है कि ये शहर का सबसे व्यस्त मुख्य बाजार है। यहाँ पर पुलिस की रात्रि गश्त होने के बावजूद भी चोरी होने के बाद यहाँ की दुकान चोरों में पुलिस के प्रति रोष देखा गया। परिवादी धर्मेंद्र खत्री ने बताया कि लक्ष्मी पान भंडार नाम की उसकी इलोजी मार्केट में दुकान है, जिसमें वो गुटखा सिगरेट बीड़ी का बेचान करता है। तो कल रात को ताले लगा के गया, सुबह पड़ोसी से पता चला कि भाई मेरी दुकान के ताले टूट रखे हैं, जिसमें 20-25 हजार रुपये का गुटखा सिगरेट चोरी होना बताया। तो किस तरह की कार्रवाई पुलिस करने वाली है? तफ्तीश में घटनास्थल देख के मुलजिमों का जो पूर्व में इस तरह की वारदातें कर रखी है और हमारे मुखबिर तंत्र से पता किया जाएगा कि इस तरह के कौन कौन हैं, उनसे ला के पूछताछ और जल्द से जल्द मामला को का खुलासा करने का प्रयास करेंगे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।